मान्यवर, अब वक्त है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने का। और इस वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का सम्मान प्राप्त कर रही हैं हम सब की चहेती जानी मानी प्रतिष्ठित अभिनेत्री श्री वहीदा रहमान जी। श्रीमती वहीदा रहमान, जो हिंदी सिनेमा में आपके तुलनीय योगदान के प्रति सम्मान है ये दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वहीदा रहमान जी के नाम। स्टैंडिंग ओवेशन कपल्ड विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ द फैक्ट दैट वहीदा रहमान, द आइकॉनिक, द टाइमलेस ब्यूटी वहीदा रहमान इज लव्ड बाय वन एंड ऑल। एंड एज वी टेक दीज प्रोसीडिंग्स फॉरवर्ड वी कैन टेल दैट वहीदा जी इज विजिबली इमोशनल राइट नाउ, द टाइमलेस ब्यूटी। And now, as we move ahead, ma'am, we have put together this film that showcases the life and times of the one and only Wahida Rahman. Can you all please have your seats and let's sit back and enjoy this journey of Wahida Rahman ji. वहीदा रहमान का जन्म 3 फरवरी 1938 को हुआ। मेरे फादर आईएएस थे, बड़े ब्रॉड माइंडेड थे। बचपन में मैंने सोचा था पहले डॉक्टरी करूं, फिर मुझे डांस का शौक हुआ। मेरे माँ बाप ने रोका नहीं, धीरे धीरे फिल्मों में आई मैं। पहली मेरी तेलुगु पिक्चर थी जिसमें सिर्फ डांस था मेरा और वो बहुत कामयाब। इत्तेफाक से गुरुदत्त जी थे, उन्होंने मुझे बॉम्बे आने के लिए कहा, तो मेरी पहली हिंदी पिक्चर CID थी। इस फिल्म से पूरे देश की निगाहें इस उभरती हुई अदाकारा पर आ गई। इसके बाद प्यासा, कागज के फूल, चौधरी का चांद और साहेब बीबी और गुलाम जैसी एक से बढ़कर एक फिल्में गुरुदत्त के साथ की। वो बहुत खामोश आदमी थे, ज़्यादा बोलते नहीं थे, मगर चुपके से आराम से समझा देते थे। सीन ये है, मूड ये है, उसको महसूस करके करो। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ आपके पास फाइल है या नहीं, वो मेरे लिए बहुत कीमती है। जब भी मेरे पास पैसे हो मैं। अच्छा, तू खाली हाथ आया है मेरे पीछे? इस कोठे को खाला जी का घर समझा है क्या? वहीदा जी एक्सप्रेसेस थ्रू हर आईज एंड कन्वेज मिरर्ड इंटेंस इमोशंस इज आई बिलीव Absolutely phenomenal. राजू, यहाँ कहीं घुंघरू मिलेंगे? घुंघरू क्यों नहीं? मुझे गाइड बहुत पसंद है क्योंकि बहुत हट के कैरेक्टर है। विजय आनंद थे, वो बनाते वक्त पूरे दिल और दिमाग प्यार मोहब्बत से बना रहे थे, मगर उन्हें भी नहीं पता था कि ये इस पोजीशन पर पहुंचेगी ये पिक्चर। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा। ये सिलसिला लगभग 4 दशकों तक चलता रहा जिसमें इन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी और साथ साथ अभिजान, नीलकमल, रेशमा और शेरा जैसी ऑफ बीट फिल्में भी की। मुझे हमेशा शौक था कि हट के पिक्चरें भी करूं। तीनों रोल बिल्कुल हट के थे एक दूसरे से, तो वो शायद एक हद तक कामयाबी हुई उसमें। वहीदा जी ने जो भी रोल उनको मिला है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसे निभाया है। We have seen your film and of course all those remarkable from Guide to Kagaz Ki Phool to Pyaasa to all of those films. What makes Wahida Rehman Wahida Rehman? It's a whole spectrum of colors. It's like a rainbow. When she's on the set, she would completely surrender herself to the character and also to the director.
I was absolutely delighted when Vahida ji agreed to do a book with me, and we did this book some years ago, and it's a conversation book in which she talks about her life and about her experience in cinema. Heartiest congratulations, Vahida ji, on being bestowed the coveted Dada Sahib Phalke Award. Vahida ji, aapko bahut bahut mubarak ho. All my best wishes to you. Dada Sahib Phalke kahin bhi hain, sabse zyada khushi to उन्हीं को महसूस हो। मैं यही सोचती थी कि अच्छा सा अच्छा काम करना चाहिए। मैं दिल की बात ज्यादा सुनती हूँ, बस उसके के दिमाग है। I want people to remember me as a good human being. देवी सचना, अब मैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू तथा मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथिगण से विनम्र निवेदन करती हूँ, कृपया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने के लिए मंच पर आगे आए। और आदरणीय वहीदा रहमान जी, आपसे भी सस्नेह अनुरोध, कृपया दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। कर्ता ध्वनि के साथ स्वागत करें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित हर दिल अजीज वहीदा रहमान जी का अनुपम व्यक्तित्व, सादगी भरा सौंदर्य, संतुलित गहरी भाव अभिव्यक्ति के साथ विलक्षण अभिनय प्रतिभा की धनी वहीदा रहमान जी, जो सिनेमा का ये सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाली 8वीं महिला कलाकार हैं। The ever gorgeous Vahida Rehman has received numerous awards and accolades, including Filmfare and National Awards for her remarkable performances, unforgettable characters, her enchanting smile that we can see right now. It has won our hearts and it continues to do so, transcending many generations, many, many decades. Today, Vahida ji, Indian cinema expresses its deep gratitude for your exceptional contribution, ma'am, and honors you with the most prestigious, I repeat, the most prestigious accolade in the film industry, the Dada Saheb Phalke Award. 67 वर्षों से अभिनय के क्षेत्र में सक्रिय, हिंदी समेत तेलुगु, तमिल, बांग्ला फिल्मों में भी काम कर चुकी वहीदा जी भारतीय सिनेमा में अपने किरदारों से अमिट छाप छोड़ गई हैं। 1955 से शुरू हुआ सफर, जो प्यासा, गाइड, कागज के फूल, चौधरी का चांद, साहेब बीवी और गुलाब, खामोशी, कभी कभी, लम्हे जैसी बेहतरीन क्लासिक फिल्मों के जरिए आगे बढ़ता चला गया, और उन्होंने भारतीय फिल्मों में न केवल अपना आयाम स्थापित कराया बल्कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को भी मिला एक ऐसा नायाब हीरा जिसकी चमक बढ़ते वक्त के साथ बढ़ती चली जा रही है। वहीदा रहमान जी, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित। This hall undoubtedly is replete with not only applause, but the immense love that the entire nation, including the film industry, will continue to have for one and only and very iconic Vahida Rehman ji. Pia to se naina lage re ma'am continues to live across many, many generations. We want to tell you that. And your smile takes it all. वहीदा जी, आपको इस पुरस्कार के लिए ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आपके जीवन भर के अभिनय के प्रति समर्पण को समर्पित है, उसके प्रति सम्मान है ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारतीय सिने जगत के स्वर्णिम युग की नींव दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। माननीय राष्ट्रपति तथा माननीय मंत्री जी, आपका बहुत बहुत आभार। और अब मैं हम सब की प्रिय वहीदा जी से सादर आग्रह करूंगी कि कृपया इस अवसर पर अपने उद्गार हमारे साथ साझा करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें वहीदा जी का। थैंक यू, थैंक यू। ऑनरेबल मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी और सारे जूरी मेंबर्स का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। आई फील वेरी ऑनर्ड, वेरी हम्बल्ड। मगर आज जहाँ जिस मुकाम पे मैं खड़ी हूँ, ये सारा मेरी प्यारी इंडस्ट्री की वजह से है। मुझे लकीली बहुत अच्छे टॉप डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर्स, टेक्नीशियंस, राइटर्स, डायलॉग राइटर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स और संगीतकार सबका बहुत सहारा मिला, बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया। और आखिरी में
मेकअप आर्टिस्ट, हेयर और कॉस्ट्यूम बनाने वालों का भी बहुत हाथ होता है, इसलिए ये मैं अवार्ड अपनी फिल्म इंडस्ट्री के सारे डिपार्टमेंट के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे शुरू दिन से बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया और बहुत सपोर्ट किया। कोई भी एक इंसान एक पूरी पिक्चर नहीं बना सकता, उन सबको हम सब की ज़रूरत होती है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। పెట్టుబడి అత్యధిక లాభం, 4 సంవత్సరాలు పైబడి పెరిగిన శ్రీకంధం చెట్ల ఫ్లాట్ లో మై హోమ్ స్మార్ట్ సిటీ, అమెజాన్, జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ అండ్ పిఎన్జి కంపెనీస్ దగ్గర. స్పాట్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ మరిన్ని వివరాల కోసం వెంటనే కాల్ చేయండి శుభప్రదం ప్రాజెక్ట్స్ 9100007255.